वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि डेरिवेटिव्स को हमने कैसे अप्लाई करना है, डेरिवेटिव्स को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा डेरिवेटिव्स क्या चीज होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव मीन्स रेट ऑफ चेंज। जैसे कि हमने कहीं पे पीछे डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स? फ्रॉम दिस वी मीन दैट रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि वाई का जो चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है, और इसी को हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। अब कहीं पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर इन जनरल पूछा जाए कि आप रेट ऑफ चेंज मालूम कीजिए, तो हम सिंपली किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज अगर हमें मालूम करना है तो हमने उसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी अवर रेट ऑफ चेंज। अब कहीं पे पूछ सकता है किसी फिक्स पॉइंट पे, दिस डी वाई बाई डी एक्स कहीं पूछा होगा किसी फिक्स्ड पॉइंट पे, मान के चलो dy by dx at x equal to 5। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज इन्होंने पूछा है ये किसी फिक्स्ड पॉइंट पे पूछा हुआ है, x equal to 5 पे पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, हमें dy by dx निकालना है। वी हैव टू नो dy by dx एंड पुट x equal to 5 इन दैट dy by dx। जो हमारे पास dy by dx की वैल्यू आई होगी उसमें x equal to 5 पुट करना है, तो उसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज इन y इन रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 5। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को हम डेरिवेटिव्स अप्लाई करते हैं। सो फ्रॉम द डेरिवेटिव, फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, वी मीन रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, आर वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर। जैसे अगर y इज इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब y चूंकि इस पर डिपेंड है, यहां पर पैरामीटर है हमारा x। पैरामीटर को वेरिएबल होता है जिस पर कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है, जिस पर कोई दूसरा वेरिएबल डिपेंड करता है। तो यहां पर हमारा y एक ऐसा वेरिएबल है जो इस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डिपेंडेंट वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सो हियर वी कैन से हियर एक्स इज द पैरामीटर ऑफ वाई। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर रेट ऑफ चेंज निकालूंगा वी हैव टू डिफरेंशिएट बाय रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम एक कोई क्वेश्चन करते हैं, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट से, इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि यहां अगर वॉल्यूम एक ऐसी क्वांटिटी है क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां से हमें पता चलता है कि यहां पर हमें कुछ रेट ऑफ चेंज मिल रहा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब अगर कुछ चेंजिंग आ रही है उस वॉल्यूम में, चेंजिंग अगर आ रही है या तो वो इंक्रीज हो रहा है या अगर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें हमारे पास रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो है ये रेट ऑफ चेंज हमारे पास दिया हुआ है, और वो भी किसका दिया हुआ है, वॉल्यूम का दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, क्यूब का वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस रेट से, इस रेट से बढ़ रहा है। अब हमने ये निकालना है कि सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया जो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। और यहां पे रेट ऑफ चेंज हमने निकालना है, और कहां पे निकालना है, किसी फिक्स्ड पॉइंट पे निकालना है। किस फिक्स्ड पॉइंट पे निकालना है, व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। जब लेंथ ऑफ एज 12 सेंटीमीटर होगा तो कुछ नहीं करना है, जब हम सरफेस एरिया
रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो उसमें हमने एज जो है वो पुट करना है 12, तो वो हमारा 12 में रेट ऑफ चेंज निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमारे पास ये चीज दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है क्यूब का वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जब ये रेट ऑफ चेंज जो है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अगर ये हमारे पास अगर ये रेट ऑफ चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज अगर है तो अगर ये क्यूब भी है, क्यूब में कोई साइड भी होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड लेंगे, क्या इसको इसने यहां पे एच बोला है, एच या साइड भी बोल सकते हो, अब इसने एच करके बोला है तो हम लेट करेंगे एच, इसमें लेट एच ऑफ लेट द एच ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स, इसका एच हम क्या मानते हैं एक्स। अब दिया क्या है, रेट ऑफ चेंज हमारे पास दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज यहां पे हमने इसका क्यूब निकालना है, पहले सबसे पहले इसका क्यूब हम निकालेंगे उसका फिर रेट ऑफ चेंज करेंगे। तो क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने एक साइड लेनी होती है, जब तक ना हमें किस उस क्यूब की साइड मालूम होगी तब तक उसका हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव सपोज्ड द एज ऑफ क्यूब, वी हैव सपोज्ड द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स। अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा, देखिए वॉल्यूम हमने निकालना नहीं है, हमने क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम नहीं पूछा है, बल्कि ये वॉल्यूम का स्टेटमेंट यहां पूछा है, वॉल्यूम की बात इसने बोली है यहां पे कि वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो 8 है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब हम अब वॉल्यूम निकालेंगे उसको 8 के इक्वल रखेंगे। सो फॉर दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है वो साइड का क्यूब होता है, तो दैट इज एक्स क्यूब फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकला। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर ये हमें निकला तो रेट ऑफ चेंज कितना है, दिस इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, देयरफॉर डी वी बाय डी टी। तो किसके रेस्पेक्ट में, ये भी आपने देखना है किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, पर सेकंड, सेकंड डिनोट्स द टाइम, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट वी विद रिस्पेक्ट टू टी, सो वी हैव गिवन डी वी बाय डी टी कितना है, डीवी बाई डी टी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या खाली 8 भी आप देख सकते हो। अब यहां पे गिवन क्या है, ये तो गिवन है, अब हमने अपना क्यूब भी निकालना है, हम अपने अपना वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, तो यहां पे वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्या वॉल्यूम हमने निकाला है, इसको रेट ऑफ चेंज, इसका रेट ऑफ चेंज और इसका दिया हुआ रेट ऑफ चेंज हम इक्वल रखेंगे, तो यहां से आप लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी हमारा क्या आएगा, बट डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 3x2, लेकिन एक्स अब अगेन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दिस इज because this is changing with respect to t, so dx by dt, यहां से ये हमारा ये हमने निकाला, ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हमने निकाला, और ये वॉल्यूम जो है ये रेट ऑफ चेंज जो है वॉल्यूम का ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रेट ऑफ चेंज को इनके दिए हुए रेट ऑफ चेंज के इक्वल रखेंगे, सो ही कैन राइट 3x2 dx अपॉन डी टी इक्वल टू 8। यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यहां से हमें मिलेगा dx अपॉन डी टी दिस विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 3
एक्स स्क्वायर, यहां से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है डी एक्स अपॉन डी टी, ये किसके बराबर आ रहा है 8 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर। अब हमने निकालना क्या है, हमने एक्चुअली सरफेस एरिया का निकालना है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज हमने निकालना है। तो हमें पता है हम क्या करेंगे, लेट एस डिनोट या एस डी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो अब हमने इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, देयरफॉर डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। तो सबसे पहले हमें यह मालूम करना है कि यहां पे रेट ऑफ चेंज एस का होगा क्या, मतलब सरफेस एरिया, उसके लिए हमें सरफेस एरिया पहले निकालना है। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब में 6 इंटू साइड का स्क्वायर, देयरफॉर या इससे पहले आप लिख सकते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड वो एच हमने क्या लेट किया है, वो हमने एक्स किया है 6 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअली दिस इज अवर क्वेश्चन। तो हमने इसका रेट ऑफ चेंज करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। सो डी एस अपॉन डी टी क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, दिस इज 12x एंड अगेन डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी हमने यहां पे निकाला हुआ है, वी कैन पुट दिस वैल्यू, सो 12x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर, इसको आप जब कैंसिल करेंगे ये कितना बचेगा x दिस 3 4 32 अपॉन x ds अपॉन dt, हमारा कितना है 32 अपॉन x है। लेकिन अब किस पॉइंट पर निकालना है, when edge is, when side is 12 सेंटीमीटर, so we have to ds, we have to write ds upon dt at x equal to 12। इसका मतलब हमने यहां पे x जगह का अगर पुट करना है 12 पुट करना है, दिस इज 32 अपॉन 12, तो आप कैंसिल करेंगे 4 3 4, दिस इज 8 अपॉन 3। तो ये हमारे क्या निकला, रेट ऑफ चेंज। तो अब चूंकि सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, अब ये रेट ऑफ चेंज है तो पर सेकेंड, सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यू, एक एज है, एक साइड है, किसकी है, वेरिएबल क्यूब, वो क्यूब जो है वो वेरी करता रहता है, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग आ रही है, इज इंक्रीजिंग, कैसी चेंजिंग आ रही है, वो बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, हर सेकंड पर, यहां पर भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग दी हुई है, रेट ऑफ चेंज रिस्पेक्ट टाइम दिया हुआ है, पर सेकंड 3 सेंटीमीटर पर सेकंड वो बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज यहां दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो किस रेट से बढ़ेगा, किस रेट से इंक्रीज होगा, एंड व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जहां पे एज जो है वो साइड है उसकी कितनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहां पर भी एक फिक्स्ड पॉइंट में हमें निकालना है। तो क्वाइट इजी है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे एच हम लेट करेंगे, लेट एच ऑफ द क्यूब, लेट एच ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो एक्स सेंटीमीटर हम लेट करते हैं। अब क्योंकि पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात इसने पूछी है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज इसने पूछा है, इसका मतलब हमने पहले वॉल्यूम निकालना है तो फिर उसका रेट ऑफ चेंज हम मालूम करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, साइड का क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब,
एक साइड अगर एक्स है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका साइड, तो दैट इज एक्स क्यूब। अब दिया क्या है, दिया है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू के, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज क्या हो रहा है, एन एच, वो एच मतलब वो साइड, वो साइड जो है वो चेंज हो रही है, साइड का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो साइड को हमने क्या सपोज किया है, वो एक्स सपोज दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इंक्रीजिंग, हमने रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का निकालना है, इसको हमने क्या करना है, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर डीवी अपॉन वी फॉर वॉल्यूम, सो डीवी अपॉन डीटी क्या हो जाएगा, ये होगा 3 एक्स स्क्वायर। एंड अगेन यहां पे आप देख रहे हैं, अगेन वो एक्स जो है वो एक्स इसने खुद ही बोला है, वो साइड जो है वो खुद टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती जा रही है, तो सो वी हैव डिफरेंशिएट अगेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। हम यहां पे दोबारा क्यों टी को, एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स जो है वो खुद डिफरेंशिएट हो रहा है, वो खुद चेंज हो रहा है, इसे बोला है एंड एज ऑफ एनीबॉडी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, कि वो साइड जो है वो एक्स जो जिस साइड को हमने एक्स यहां सपोज किया है वो खुद चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू टी। सो यहां पे हम इसको एक्स के टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब डी एक्स बाई डी टी हमें मालूम है, ये दिया है वो कितना है 3 है, इट इंप्लाइज डी बी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी इज 3 इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी टी तो हमने निकाल दिया, हमने रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकाल दिया हमने, लेकिन इसे किसी फिक्स पॉइंट पे पूछा है व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें क्या करना है, डी वी अपॉन डी टी जो है एट एक्स इक्वल टू 10 हमने लेना है, तो इसका मतलब डी वी बाई डी टी जो आया उसमें हमने 10 पुट करना है, दैट इज 9 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 9 100, सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज। अब ये वॉल्यूम की बात इसने बोली है, तो वॉल्यूम जो है हमेशा क्यूब पे होता है, तो ये किस रेट से चेंज होता जाएगा वॉल्यूम, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पर सेकेंड क्यों, क्योंकि यहां पर भी जिस यूनिट से ये यहां पे चेंज हो रहा था उसी यूनिट से हमने यहां पर भी निकाला, तो उसी यूनिट से ले भी चेंज होता जाएगा। सो दिस वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी बुक पर क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको ध्यान से दीजिए, देखिएगा। ये बोल रहा है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबी है, इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल, वो एक वॉल के साथ खड़ी है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, बॉटम ऑफ लैडर जो है, लैडर का जो बॉटम है उसको खींचा जाता है अलॉन्ग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ मतलब जमीन के साथ साथ, मतलब उसको ऊपर नहीं उठाया जाता है बल्कि जमीन के साथ साथ ही उसको आगे खींचा जाता है, फ्रॉम द वॉल अवे, फ्रॉम द वॉल वॉल के अवे, वॉल से बाहर मतलब दीवार के, दीवार की तरफ ही उसको खींचा जा रहा है बल्कि दीवार की अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देख यहां पर भी हमारे पास कुछ रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, किसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, जब बॉटम ऑफ द लैडर, जब लैडर की, जब सीढ़ी का बॉटम जो है जब उसको खींचा जाता है, जब उसको खींचा जाएगा तो हमें कुछ डिफरेंस मिलेगा, मतलब वहां पे कुछ चेंजिंग मिलेगी हमें, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिगर बनाएंगे, वहां से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे
सबसे पहले हम दिस इज वॉल, ये सिर्फ ये अगर दीवार है तो यहां में से कहीं सीढ़ी है, सो दिस इज लैडर, ये सीढ़ी है और ये जमीन है, दिस इज ग्राउंड। इतना सा क्या क्या दिया हमारे पास, सीढ़ी दी हुई है आपको बालू में, अगर ये दीवार है ये वाल है, इसके साथ ऐसे ही सीढ़ी हुआ करती है, तो ये कितनी लंबी है, दिस इज 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर है। अब इसने बोला है कि अगर ये ग्राउंड है, यहां से बाहर भी ग्राउंड ही है, यहां से आगे भी ग्राउंड ही, अगर हमें जरूरत पड़ेगी, इसने बोला है कि अगर हम इस लेडर को फुट से, क्योंकि इसका फुट यहां पे है, टॉप इसका यहां पे है, तो इसका फुट जो है, इसका बॉटम जो है, अगर हम इसको पुल करेंगे, खींचेंगे, अगर हम इसको अगर हम खींचेंगे जमीन के साथ साथ ही खींचेंगे, तो ये लाइन जो है इधर के लिए आएगी, ये इसका फुट अगर हम खींचेंगे यहां के लिए आ सकता है, इस लाइन में आ जाएगा, और यहां फिर चैनिंग क्या हो जाएगी, चैनिंग ये हो जाएगी कि ये जो है यहां से नीचे आता जाएगा, इसका टॉप जो है सीढ़ी का वो नीचे आता जाएगा, जितना जितना हम इसको इसकी तरफ यहां बाहर की तरफ पुल करेंगे खींचेंगे, उतनी ही वो सीढ़ी नीचे की तरफ आती जाएगी, उतनी ही वो दीवार का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम होता जाएगा सीढ़ी के टॉप से और दीवार के बॉटम तक का डिस्टेंस कम होता जाएगा जितना हम इसको पुल करेंगे। तो अब हमें पता नहीं है हमने निकालना क्या है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निकालना हमने क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग, हाइट ऑफ वॉल जो है दीवार की जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है। तो हमें यहां से दिख रहा है जब हम इसको पुल करेंगे हाइट ऑफ वॉल डिक्रीज होता जाएगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है, वो डिग्री जब होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है, और वो भी किस पॉइंट पर, व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर आ गया, वाह जब हमारे पास फुट ऑफ लैडर जो है 4 मीटर आ गया, तो क्या करना है, अब हमने इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, अब हमें इसका पता ही नहीं है ये है कितनी साइड कितनी है, हम इसको लेट करेंगे वाई, और इसको लेट करेंगे ये साइड, हम लेट करेंगे एक्स, सीढ़ी का जो बॉटम है उससे लेकर और दीवार का जो बॉटम है दीवार तक का डिस्टेंस हम लेट कर रहे हैं एक्स, और ये वॉल की हाइट हम लेट कर रहे हैं वाई, और ये दी हुई है लेंथ ऑफ लेटर इज 5 मीटर। अब दूर से ही दिखता है यहां हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है,